गुरुवार को तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रेमी युगल के ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने का मामला प्रकाश में आया है। घर का एकमात्र चिराग बांसगांव निवासी कोनी बुजुर्ग का 18 वर्षीय मधुरेंद्र पुत्र जनार्दन, जो कि 12वीं पास था और ट्यूशन पढ़ाता था, इसी बीच बांसगांव मालनपार निवासी आकृति सिंह पुत्र जेपी सिंह, जो कि बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती घरवालों को पसंद नहीं थी। व्यक्तिगत जिंदगी में घरवालों का हस्तक्षेप प्रेमी युगल बर्दाश्त ना कर सके और आत्महत्या का कदम उन्हें उठाना पड़ा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक मधुरेंद्र के परिजन अशोक कुमार ने कहा, इस मामले में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया, मोबाइल तो है ये थे खड़े वहाँ पीछे बना आप लोग ठीक से आते हैं, अपना मोबाइल नंबर देगा। क्या नाम है इसका? मधुरेंद्र। मधुरेंद्र है? अच्छा, बच्चा बोले तो परिजन की आज नहीं है, आज नहीं है। हमारे पास फोन आया था। हाँ, हम कचहरी के पास हम चंदनोगला रोड पर नीचे रहते हैं। हाँ, तो फोन आया कि गायब हैं, तो टैंकी का पता लगाएंगे जो है। हाँ, उसके बाद सुबह गाड़ी उड़ी काटते हुए मेरे को पता टूट के काटते हुए, उसके बाद फोन आया कि जो है कांड हो गया है। तो वहाँ पहुँचे तो उसका जो है मधुरेंद्र धोनी पड़ेगा। पढ़ाई करता था, वो पढ़ाता भी था, जाता था इधर उधर। क्या नाम है? अशोक कुमार। क्या सूचना मिली आपको? पुलिस से है कि ये इस तरह का लड़का है, कट के मरा है। कहाँ पे? अब ये गांव तो हम नहीं क्लियर हो पाएंगे। क्या बताएं जी? क्या बताएं? क्या बताएं? कौन यहाँ से जो सूचना आपको दिए हैं, क्या बताएं? ये हमसे यही बताए हैं कि हिंदू कोठा में एक लाश करके मिली है, उसका आधार कार्ड मिला, मोबाइल नंबर मिला, बस वही हमको जानकारी हुई, हम सुने चले आए हैं। तो अभी आप शिनाख्त किए हैं, क्या हुआ? लड़का वही है। क्या कुछ पता चला, क्या कहाँ तक पढ़े लिखे थे ये? अब इसके बारे में हम क्वालिफिकेशन नहीं बता पाएंगे। क्या करते थे ये लड़का? पढ़ता था ये तो इतना जानते हैं, बाकी अब कितना पढ़ा लिखा ये नहीं। प्रेम प्रसंग का भी कुछ मामला अब इसके बारे में मुझे एक पैसे की जानकारी। ये आज सुबह लगभग 6 बजे की सूचना, डायल 100 की सूचना पर हमारी पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची है। घुनघुन कोठा रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 50 मीटर पश्चिम दो पटरियों के बीच में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिली है। जो शिनाख्त हुआ है लोगों के पूछताछ से पता चला है तो एक आकृति सिंह है और एक का नाम मधुरेंद्र है। ये दोनों रहने वाले, ये गुरुआ बाजार आकृति सिंह जो है वो बांसगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और मधुरेंद्र जो है वो गुरुआ बाजार के रहने वाले हैं। ये एक दूसरे को आपस में जानते थे, ये परिचय था, मगर आज इन दोनों की बॉडी वहाँ पर मिली है। क्या चीज़ें हैं ये जाँच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है, सारी बातें तथ्य सामने आने पर बताया। कोई तहरीर मिली? नहीं, कोई तहरीर नहीं मिली है। माता पिता परिजन आ गए हैं, उन लोगों का कोई उनको कोई तहरीर नहीं मिला। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, वो सब यहीं पर है।